दरभंगा की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। डेढ़ महीना हो गया सर। डेढ़ महीना से आपने? हाँ जी, कमर टूटा है पेशाब का और नली भी फट गया है। अच्छा, उसके बाद कोई इलाज उलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे। बोलते यहाँ से कहीं और चले जाओ, गरीब आदमी है, वो प्राइवेट में चले जाओ। नर्स बोलती है? हाँ, डॉक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ 2-4 लाख मांगते हैं। अच्छा, हम गरीब आदमी है, कहाँ से इलाज करेंगे। अच्छा, चौकिए मत और कलेजे पर पत्थर रखकर पूरा देखिएगा इस वीडियो को। यह है दरभंगा का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल DMCH का ऑर्थो विभाग। लगभग 1.5 महीने से मरीज ऑपरेशन कराने का इंतजार कर रहे हैं। इस मरीज से मिलिए, इनका नाम है प्रमोद पंडित। प्रमोद का कहना है कि नर्स आती है सिर्फ टीका लगाकर चली जाती है और कुछ नहीं करती है। बोलती है यहाँ से कहीं और चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ। मतलब नर्स भी इस बात को बखूबी जानती है कि गरीब मरीज का सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होने वाला है। प्रमोद बताते हैं कि प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ 2-4 लाख मांगते हैं। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से इलाज कराएंगे। अब इनसे मिलिए, इनका नाम है मोहम्मद सलाम। इनका कहना है कि मैं घर का जिम्मेदार आदमी हूँ, महीना से ऊपर हो गया है एडमिट हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहते हैं कि डॉक्टर और सरकार दोनों मिलकर गरीब के लाशों पर खेल रहा है। घर का जिम्मेदार व्यक्ति मैं हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। मैं खुद पारिवारिक आदमी हूँ और लगभग महीना से ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, इस उम्मीद में कि आज होगा कल होगा। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो प्राइवेट में करा लेता, और गरीब आदमी इसमें मर रहा है, लेकिन डॉक्टर भी और सरकार दोनों मिल करके इस गरीब के लाशों पे खेल रहा है। अच्छा, एक तो यह भी बताते हैं बल्ब फ्यूज हो गया तो हम लोग अपने पैसे से बल्ब खरीद कर लाए हैं, क्योंकि नर्स को बोले तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। हाँ, रात में फ्यूज हो गया तो हम लोग अपने से पैसे से लाए। बोलने पर बोलता सिस्टर से मांगिए, पैसा लेता है, सिस्टर पैसा लेती है, बल्ब के लिए गया गया तो पैसे बल्ब नहीं दिए सिस्टर। इसी विषय पर हमने DMCH के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा से बात की और उनको हमने DMCH के ऑर्थो विभाग की स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि ऑर्थो विभाग से हम लोग तंग आ चुके हैं, एकदम पैनिक है वहाँ की स्थिति, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वह हड्डी विभाग है, सरकार को भी कह चुके हैं, शुरू से उस विभाग की स्थिति खराब है। इसके लिए DM आकर निरीक्षण कर लिए हैं, विभाग को हम लोगों ने बाय नेम कंप्लेन किए हैं प्रधान सचिव को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपके कहने पर फिर एक बार शिकायत करते हैं। अब तो सवाल सीधे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से होना चाहिए, जो हर वक्त स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि को लेकर ढिंढोरा पीटते रहते हैं। सवाल बस इतना ही है कि एम्स पर पीठ थपथपाने से पहले DMCH की स्थिति को तो सुधार लीजिए साहब। आखिर क्यों मरीजों को ये दिन देखना पड़ रहा है? क्या नाम है? एमडी सलाम। हाँ, बोलिए। इस हॉस्पिटल में कहने को सरकारी, लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा डॉक्टर के अलावा। अच्छा। डॉक्टर कोई रूल फॉलो नहीं करता। जैसे कि एक जो भी जूनियर डॉक्टर का ड्यूटी है यहाँ, कल से 2-3 दिन से आना बंद है। नर्स जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे कार्य बहिष्कार पे बैठे हैं, ठीक है। और जो भी नर्स वगैरह आती है बस 2 मिनट के लिए। यहाँ देखिए, बाहर में बल्ब नहीं था, किसी पर्सेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर सर ऐसे पर्सेंट अंदर में ऐसे घुट के मर रहा है, इससे बेटर है कि हम लोग को रोड पे रख दिया जाए यूनिट से बाहर निकाल के। अच्छा, क्योंकि हम लोग ऐसे घुट घुट के मर रहे हैं, ऐसे भी हमारी जान जा रही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ देखा नहीं जा रहा है। ऐसे कल के पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स में जो अभी आया था कि OTP, जो एक आदमी का OTP किया गया, OTP के अंदर उसका ऑपरेशन थिएटर के अंदर किया गया है, काम चालू हो चुका, लेकिन ऑलरेडी वहाँ कुछ नहीं हुआ हुआ। जो भी है पेपर में सब आउट हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि सब काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। पेपर पढ़ते हैं आप? पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन पेपर में देखे लेकिन हुआ नहीं है। क्योंकि ये कैसे कह सकते कि नहीं हुआ, क्योंकि मालूम पड़ता है ना, यूनिट में जाकर के आदमी पूछा गया। अच्छा, OTP में जाकर के देखा गया, खुला था लेकिन हुआ नहीं। डॉक्टर कहता कि मेरा जूनियर नहीं है तो हम क्या सामान किस वक्त मांगेंगे। और सीनियर कहता है जूनियर के लिए, जूनियर कहता है कि डॉक्टर साहब ड्यूटी पे हैं, तुम करोगे जब ही तो होगा, आप कीजिए ना ऐसा, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि जूनियर सीनियर में पब्लिक मर रहा है, इससे अच्छा बेटर है अस्पताल को बंद कर दो, क्लोज कर दो, कह दो कि भाई यहाँ कोई काम नहीं हो रहा।
मैं खुद मैं पारिवारिक आदमी हूँ और लगभग महीना से ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ इस उम्मीद में कि आज होगा कल होगा। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो प्राइवेट में करा लेता और गरीब आदमी इसमें मर रहा है, लेकिन डॉक्टर भी और सरकार दोनों मिल करके इस गरीब के लाशों पे खेल रहा है। अच्छा। इस वक्त में गरीब कहाँ जाएगा। हफ्ते में एक दिन ओटी करता है इस नंबर का बुध का बुध, इतना परसेंट कितने परसेंट को, वो भी 3% को लेते, 4 को लेके जाता है ओटीपी में से रिटर्न कर देता है एक आदमी को। कितना सालों साल यहाँ मरता रहेगा आदमी, सालों साल मरेगा। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। क्या बोल रहे हैं? हमारा ऑपरेशन होना था अभी। अच्छा। मतलब हम 1.5 महीना से हम भी है अब 1.5 महीना। हाँ बोलिए। और बताते हैं, पूछने पर बताते हैं नंबर आएगा तब ना होगा। उस दिन नंबर आया था हमारा, नंबर आया था, सुई हुई दिया हमको भी, उनको भी दिया, दोनों जना हट जाइए, हट जाइए, साइड हो जाएगा, दोनों जना अब ऐसे ला रहे हैं इसको, वो नहीं है लाने का। लगाना पड़ता है। अच्छा, बल्ब खरीद के लगाते हैं? बल्ब रात में फ्यूज हो गया था, हम लोग अपने पैसा अपने से पैसे से लाया। बोलने पर बोलता है सिस्टर से मांगिए, पैसा लेता है सिस्टर, पैसा लेती है, बल्ब के लिए गया गया तो पैसे बल्ब नहीं दिए सिस्टर। मेरा नंबर आ चुका था सरकारी हॉस्पिटल ऐसा होता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। कहाँ घर है? झोंजी। प्रमोद पंडित। कितने दिन से है यहाँ? 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना से आप नहीं? हाँ जी, कमर टूटा है पेशाब का, वो नली भी फट गया है। अच्छा। उसके बाद कोई इलाज उलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे, बहुत परेशान। नर्स आती है ना? नर्स आती है, टीका लगा के चले जाती है और कुछ नहीं करती है। अच्छा, दवा वगैरह चल रहा है ना? दवा रहने दे, रहने दे, कोई सिर्फ खाली टीका लगा के चले जाती है और कुछ नहीं करती है। अच्छा। बोलते यहाँ से कहीं और चले जाओ, गरीब आदमी है। वो बोलती है कि कहीं चले जाओ, कहीं प्राइवेट में चले जाओ, नर्स बोलती है? हाँ, डॉक्टर भी बोलते हैं। अच्छा। तो प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ 2-4 लाख मांगते हैं। अच्छा। हम गरीब आदमी है, कहाँ से इलाज करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो नली भी, कहाँ घर हुआ आपका? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला कौन सा ब्लॉक? ये बिरौल। चलिए आपका? नुसरत परवीन। यहाँ पे आप हड्डी विभाग में हैं जी, किस लिए हैं? स्टील निकलवाने के। अच्छा, स्टील निकलवाने के। कितने दिनों से हैं? 1 महीना से, 27 तारीख को 1 महीना हो गया, ये ओवर चल रहा है। तो मतलब बोले हैं ना अंदर जी? अंदर बोले हैं, वहाँ गए हैं, ओटी में भी ले भी गए हैं, उसके बाद पानी एक दो बदल भी चढ़ा दिया, दवा भी सुई भी चल गई है, और ऑपरेशन से वापस कर दिया, अंदर ले जाकर वापस कर दिया। क्या बोले? बोले नहीं होगा आज। क्यों नहीं? क्यों नहीं होगा कि टाइम हो गया हमारा, जो उसका टाइम था। आप 1 महीना से हैं ना यहाँ? जी 1 महीना। तो 1 महीना से तो कभी टाइम नहीं मिला? नहीं, वो डॉक्टर हफ्ते में एक ही मरतबा ऑपरेशन होता है। अच्छा ठीक। तो एक मरतबा तो वापस कर दिए हैं, दूसरी मरतबा सुई दवाई दे के बोला कि हड़ताल हो गया, नहीं हुआ। आज के उम्मीद में थे कि इस उम्मीद को होगा बुधवार को।